सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। चलिए आज हम लोग एक आईआईटी एग्जाम 2016 का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, द मैट्रिक्स एन इज इक्वल टू दिस, एक 2x2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। This matrix is unitary matrix when alpha is, अब ये unitary matrix होगा, alpha का क्या value रखे? यहाँ चार option दिया हुआ है, इस चार option में से कौन सा option alpha का value होगा ताकि ये unitary matrix हो जाए। अब unitary matrix क्या होता है students? अब देखिए मैं लिख दिया हूँ definition, ये square matrix is said to be unitary matrix if A into A theta is equal to I and it is equal to a theta into a। अब a theta क्या होता है जरा इसके बारे में समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, मान लीजिए 3 + i (5), 2 + 4 + i (3), 7 + i (4), ये कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका जो एलिमेंट है वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब सारे एलिमेंट को आप रिप्लेस कर दीजिए और उसके जगह उसका कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दीजिए। इसका कंजुगेट हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर डाल रहे हैं (i)(3 - i (5), 2 का कंजुगेट 2 ही होगा, ये एक रियल नंबर है। इसका कंजुगेट आप निकालेंगे 4 - i (3) होगा और इसका कंजुगेट निकालेंगे तो 7 - i (4) होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कंजुगेट मैट्रिक्स, इसको कहते हैं कंजुगेट ऑफ ए। तो सारे एलिमेंट को अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं उसके जगह कंजुगेट डाल देते हैं तो उस मैट्रिक्स जो हम लोग को मिलता है दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी कंजुगेट ऑफ ए। अब हम लोग इसका अगर ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए बार का ट्रांसपोज ले लेते हैं डैश, या ट्रांसपोज को आप पी से भी लिख सकते हैं, तो इसको कहते हैं ए थीटा और ये कहलाता है ट्रांजुगेट मैट्रिक्स, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए, कंजुगेट ऑफ ए। तो क्या करना है हम लोग को, इसका ट्रांसपोज कर देना है, जो कंजुगेट मैट्रिक्स निकाले हैं उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो 3 - i(5), ये जो रो है उसको कॉलम में बदल दीजिए, ये जो रो था उसको कॉलम में लिख दिए, फिर ये जो सेकेंड रो है उसको हम लोग सेकेंड कॉलम में लिख जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिए, तो ये जो मैट्रिक्स मिला ये ट्रांसपोज हो गया कंजुगेट का और इसी को कहते हैं ए थीटा या कंजुगेट ऑफ ए। तो यही ए थीटा है, यानी कि ए थीटा क्या है, ए थीटा जो है वो कंजुगेट ऑफ ए है। ए थीटा कैसे निकलता है, देखिए हम लोग किसी मैट्रिक्स का पहले कंजुगेट निकालेंगे और कंजुगेट का फिर ट्रांसपोज कर देंगे तो वही ए थीटा होगा। और अगर ए और ए थीटा का मल्टीप्लिकेशन आई के बराबर हो जाए तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं यूनिट्री मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है वो यूनिट्री कब होगा, अल्फा का कौन सा वैल्यू रखे ताकि यूनिट्री हो, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेते हैं इसका कंजुगेट, एम का कंजुगेट निकालते हैं तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, एक रियल नंबर है, इसका कंजुगेट वही होगा, ये साइन अल्फा ही रहेगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा -i sin alpha और उसका भी कंजुगेट हो जाएगा -i cos alpha। तो ये कंजुगेट निकालनी है। अब हम लोग m थीटा निकालते हैं तो इसके लिए कंजुगेट जो निकाले हैं उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज क्या करेंगे, ये जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और जो सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम बना दे रहे हैं। तो ये हो गया कंजुगेट मैट्रिक्स, सॉरी ट्रांजुगेट मैट्रिक्स, और यही m थीटा हो गया। अब सिंस m इज यूनिट्री मैट्रिक्स, क्योंकि m जो है वो यूनिट्री मैट्रिक्स है तो निश्चित रूप से m इंटू m थीटा इज इक्वल टू i। तो अब देखिए यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, m और m थीटा को i के इक्वल कर रहे हैं। तो m का वैल्यू हम लोग को पता है, m का वैल्यू यहां पर आप देख रहे हैं, m इज इक्वल टू यहां पर लिखा हुआ है cos अल्फा साइन अल्फा, आई साइन अल्फा और आई कॉस अल्फा, फिर इसका
कंजुगेट मैट्रिक्स एन थीटा, ये भी हम लोग निकाल के रखे हुए हैं, ये कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा और माइनस आई कॉस अल्फा, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, आई के इक्वल होना चाहिए, ये आई के इक्वल। तब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई में कर रहा हूं कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आई साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस आई साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस टू आई साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ पर अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, आई साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा कॉस अल्फा टू आई साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं आई इंटू आई आई स्क्वायर और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस और खुद माइनस है प्लस हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर भी आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस और ये खुद माइनस है प्लस हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा और इज इक्वल टू आई। तो इसका वैल्यू होता है वन और ये जो का क्यों रखिए माइनस टू आई साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ पर भी जो का क्यों रहने दीजिए टू आई साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसका वैल्यू भी हो गया वन। और यूनिट मैट्रिक्स है यहाँ पर, तो यूनिट मैट्रिक्स इसी ऑर्डर का रखना पड़ेगा टू बाई टू ऑर्डर का, दोनों इक्वल है तो अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा, ये वन और ये वन तो इक्वल है, ये निश्चित रूप से जीरो के इक्वल होगा, और जब ये जीरो होगा तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस टू आई साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो, यहाँ से भी जीरो करेंगे तो यही चीज आ जाएगी और ये वन वन के इक्वल है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से या तो साइन अल्फा इक्वल टू जीरो होगा या फिर कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो होगा। साइन अल्फा इक्वल टू जीरो एन इक्वल टू होता है टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। अब इसका जरूरत नहीं, आप देखिए यही एक ऑप्शन जो है वो ट्रू है, यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ये आ रहा है तो सेकेंड वाला से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, यही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स होगा जब अल्फा का वैल्यू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू हो वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, और अगर मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी तरीके से आईआईटी जेम का या मैथमेटिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के आपके सामने आते रहूँगा, वीडियो मैं अपलोड करते रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप जरूर एमए क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।